हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राजूदास ऑफिशियल। सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है, ये वीडियो इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इतना ज्यादा खास है सभी बच्चों के लिए, सभी पेरेंट्स के लिए, सभी यूथ के लिए। ये जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज्यादा खास है। इसलिए वीडियो का हर एक एक पार्ट बहुत ही ध्यान से देखिए, बहुत ही ध्यान से सुनिए। ये वीडियो आपके करियर को बदल सकता है, आपके जिंदगी को बदल सकता है, आपके बच्चे का जो करियर है उन्हें भी बदल सकता है। मैं इतना आपको गारंटी देता हूँ। वीडियो का अंत में आप खुद कमेंट करके आप मुझे कहना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कितना ज्यादा ये इम्पोर्टेंट वीडियो है, आप सभी को पता चल जाएगा। पर फ्रेंड्स, वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले मैं इतना कहना चाहूंगा, मेरा वीडियो थोड़ा सा लंबा होता है, ये वीडियो भी थोड़ा सा लंबा होगा। सो अगर जिनके पास टाइम नहीं है वो लोग बंद करके जा सकते हैं, और जो सीरियस है अपने करियर को लेकर, अपने बच्चे का फ्यूचर को लेकर, वो मेरे वीडियो को बिना स्किप के एंड तक जरूर देखिए। सो आइए फ्रेंड्स, आप आगे बढ़ते हैं, आज का ये वीडियो को शुरू करते हैं। सो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं हूँ राजू, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल राजूदास ऑफिशियल। सो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं जितने सारे पेरेंट्स हैं, सभी पेरेंट्स से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर आपसे पूछा जाए कि आप अपने बच्चे को, आप अपने बेबी को कौन से स्कूल में एडमिशन करवाएंगे उसका पढ़ाई के लिए, तो आपके मन में सबसे पहले क्या विचार आएगा, बोलिए क्या सोच आएगा? जाहिर सा बात है, आप जरूर यही सोचेंगे कि जो सबसे बड़ा रेपुटेड स्कूल हो, जो एक अच्छा स्कूल हो, जो रिकॉग्नाइज हो गवर्नमेंट के साथ, जो गवर्नमेंट बोर्ड के साथ रजिस्ट्रेशन हो, जैसे कि असम में सेवा बोर्ड है गवर्नमेंट बोर्ड, इसी तरह से पूरे देश में है सीबीएसई बोर्ड, जिसे देश के कोने कोने से सभी लोग जानते हैं। सो आपके मन में एक ही सवाल आएगा अपने बच्चे का रिगार्डिंग, अगर आपको अपने बच्चे के खातिर अगर आप उसे एडमिशन दिलाया जाए तो किसी बड़े रेपुटेड इंस्टीट्यूट या फिर बड़े किसी स्कूल में उसे दाखिल किया जाए, ताकि उसका जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो, उसका करियर जो है वो अच्छा हो। आप ये पहले नहीं सोचेंगे किसी सिंपल किसी साधारण स्कूल में दिया जाए, आप यही सोचेंगे कि किसी बड़े स्कूल में, जैसे कि सैंपल हो, डॉन बॉक्स हो, इंग्लिश मीडियम हो, एक्सेट्रा। सो फ्रेंड्स, जबकि फॉर्मल एजुकेशन को लेकर के हम लोग इतना एक्टिव है, हम लोग इतना जानकारी रखते हैं, किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग हम सभी लोग इन्फॉर्मेशन रखते हैं, तो फिर टेक्निकल एजुकेशन के रिगार्डिंग हम लोग इतना पीछे क्यों पड़े हुए हैं? जिस तरह से फॉर्मल एजुकेशन के रिगार्डिंग डिग्री, बीए, बीकॉम, बीएससी कौन सा कॉलेज से करना चाहिए, कौन सा यूनिवर्सिटी से करना चाहिए, हम सभी लोग इससे अवेयर है, लेकिन जो टेक्निकल एजुकेशन है, कंप्यूटर एजुकेशन है, उसके रिगार्डिंग हम सभी लोग इतना पीछे अभी भी क्यों है? सभी में अवेयरनेस कब फैलेगा? इसी का जो मेन मोटिव है, इसी मोटिव पर मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। आज इस वीडियो पर मैं आपको कुछ ऐसे प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, कुछ ऐसे आज इस वीडियो के जरिए आप सभी लोग अवेयर हो जाएंगे कि आपको अपने बच्चे के लिए कौन से इंस्टीट्यूट पर आपके बच्चे को एडमिशन करवाना चाहिए, कौन से कंप्यूटर कोर्स करवाना चाहिए, कौन सा कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट जेन्युइन है, कौन सा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेट लेने से आपका नौकरी में कोई दिक्कत नहीं आएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब एक तरफ से आप कह सकते हैं आज का जो ये वीडियो है आपको हमेशा के लिए जागृत कर देगा, अवेयर कर देगा रिगार्डिंग टेक्निकल एजुकेशन। सो यही मेरा मेन मोटिव है आज का इस वीडियो को क्रिएट करने का। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको जस्ट एक छोटा सा एक से दो मिनट का एक छोटा सा क्लिप दिखाना चाहता हूँ। इस क्लिप को आप बड़ा ध्यान से देखिए, इस क्लिप को देखते ही सारा का सारा सच्चाई सामने आ जाएगा। सो पहले आप इस क्लिप को देखिए, फिर मैं आगे आपको बोल रहा हूँ। आईटीआई मारिसो काटाबट के 20 मार्क बेसी আছে এনুকা ক্যান্ডিডেটস আমাৰ লগত বইটে একাংশ প্রার্থী আজিও বঞ্চিত হৈ আছে, প্রায় 450 প্ৰাৰ্থী এতিয়াও বঞ্চিত হৈ আছে। তেওঁলোকৰ কম্পিউটাৰ যিসকল চাৰ্টিফিকেট আছিলে সেই চাৰ্টিফিকেটসমূহ তেওঁলোকক বৈধ বুলি ঘোষণা কৰা নাছিলে, সেই কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেটৰ বাবে তেওঁলোকে চাকৰিৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে। মোৰ সৈতে একাংশ প্ৰাৰ্থী আছে, তেওঁলোকৰ সৈতে মই দুআষাৰ কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম। মই পোনপ্ৰথমে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, আপুনি প্ৰাৰ্থী আছিল? হয় প্ৰাৰ্থী। আপোনাৰ নামটো কি আছিল? ৰিজুমণি দাস। ৰিজুমণি দাসে সেই কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেটখনৰ বাবে আজিও তেওঁলোক বঞ্চিত হৈছে? বঞ্চিত হৈ আছোঁ মই। সো ফ্ৰেণ্ডছ, দেখা আপুনি ইছ ক্লিপ পৰ इस क्लिप पर जो भी बातचीत हुआ है, जो भी कॉन्वर्सेशन हुआ है, वो हमारे असम के रीजनल लैंग्वेज पर हुआ है, असम पर बातचीत हुआ है। सो हमारे असम के जो भी पीपल है, जो भी भाई बहन है, सभी लोग बड़े अच्छे से अवेयर हो चुका है, समझ चुके हैं। जो लोग असम के बाहर से है, दूसरे दूसरे स्टेट से है, उन सभी के लिए मैं दो लाइन कहना चाहता हूँ। इस वीडियो पर क्या कहा गया है, ये जो बंदा जो रो रहा था, ये जो कैंडिडेट जो रो रो के जो बेहाल था, सो ये सभी जो जितने भी लड़के हैं, ये लोग टॉपर लोग हैं। हाल ही में कुछ ही दिन पहले असम में जो असम पुलिस की जो सरकारी नौकरी है, उस नौकरी का एग्जाम हुआ था। सो एग्जाम में जो काट ऑफ आता है, जो रिजल्ट था, उससे 20 मार्क ज्यादा था इन सभी का, इन सभी कैंडिडेट का। ये लोग इतने अच्छा कैंडिडेट है, मतलब सभी लोग एक्सेलेंट है, सभी लोगों ने पास किया है, पर इन सभी को नौकरी से पीछे छोड़ दिया गया, नौकरी से इन्हें बहिष्कार कर दिया गया, निकाल दिया गया, क्योंकि इन सभी पर आरोप लगा है इन लोगों ने जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया था वो कंप्यूटर सर्टिफिकेट फेक है।
सो आप देख सकते हैं रो रो कर कितना बेहाल हो चुका है उन सभी का। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि यही हालत आपके साथ हो, यही आपका फ्यूचर को खराब करे। सो एक छोटा सा कदम उठाने के पहले आप 100 बार सोचिए अपने बच्चे को, जब भी आप कहीं पे डालते हो, आप खुद जब भी कहीं कहीं से कुछ भी कोर्स करते हो, आप 100 बार सोचिए। बस यही मेरा मेन मोटिव है, यही मेरा मेन आज का वीडियो का ही मेरा मेन मकसद है बनाने का। सबसे बड़ा दुख का बात तो यह है कि इन पर जो आरोप लगाया गया, इनके लिए इस पर इनका कोई भी दोष नहीं है। इन लोगों को पता ही नहीं है कि इनका सर्टिफिकेट ऐसा हो सकता है। इन्होंने तो आराम से बड़ी अच्छे से एडमिशन लिया था, इन्होंने कोर्स किया था। सो जो भी हो फ्रेंड्स, आपके साथ ऐसा ना हो। आप बात होते हैं कि आपको पता कैसे चले, हमें पता कैसे चले कि कौन सा इंस्टीट्यूट सही है, हमें कहाँ से कोर्स लेना चाहिए, हमें कहाँ पे एडमिशन कराना चाहिए और कौन सा सर्टिफिकेट हमारे लिए वैलिड है, कौन सा सर्टिफिकेट हमारे लिए जेन्युइन है। सो फ्रेंड्स देखिए, इंस्टीट्यूट हमारे देश में बहुत सारा है, आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं टॉप 20 कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पर। आप जिस भी आप इंस्टीट्यूट पर एडमिशन ले, मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ, आप बस कुछ खास चीजों का ध्यान जरूर रखिए। यही सब चीजें अगर आपको वहां पर प्रॉपरली मिलता है, आप बेझिझक आप आग बन करके आप वहां से कोई भी कोर्स लीजिए, आप वहां का सर्टिफिकेट प्रोवाइड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा। सो सबसे पहला, आप जहां पे कंप्यूटर कोर्स कर रहे हो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको बोलने जा रहा हूँ। आप जहां पे कंप्यूटर क्लास कर रही हो, आपको ये एंश्योर करना है जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए उस समय आपका एग्जाम लिया जाए। ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो लोग किसी भी तरह का एग्जाम नहीं लेता है, बस आपको कोर्स करवा देता है, आपका कोर्स कंप्लीट हो गया, आपको एक सर्टिफिकेट थमा देता है। सो सबसे पहला नंबर वन आपको ये एंश्योर करना है आपका कोर्स कंप्लीट हुआ, आपका प्रॉपर तरीके से एग्जामिनेशन लिया जाए। सो आपको ये इंश्योर करना है, आप जहां से कंप्यूटर कोर्स कर रही हो उनका खुद का अपना ऑनलाइन पोर्टल हो, उनका खुद का अपना वेबसाइट हो, जो कि जिस बोर्ड से आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा उसी बोर्ड का अपना वेबसाइट हो, और आपका जो एडमिशन प्रोसेस है टोटली ऑनलाइन होना चाहिए। आपका जो एडमिशन प्रोसेस है, आपका जो एडमिशन का जो फॉर्म फिलअप होगा, ये टोटली ऑनलाइन होना चाहिए। एग्जामिनेशन के पहले आपको एडमिट कार्ड यानी कि हॉल टिकट प्रोवाइड करना चाहिए। आफ्टर एग्जामिनेशन सक्सेसफुली कंप्लीट, आपका एग्जाम संपूर्ण होने के बाद आपका जो मार्क्सिट है वो आपको प्रोवाइड करना चाहिए विथ सर्टिफिकेट, ये दोनों चीज आपको प्रोवाइड करना चाहिए। और जो ही आपको प्रोवाइड करे मार्क्सिट और सर्टिफिकेट, वो ऐसा नहीं कि आपका एग्जामिनेशन हो के अगले दिन आपको दे दिया जाए, ऐसा नहीं है। वो सर्टिफिकेट भी बोर्ड से आना चाहिए, उस सर्टिफिकेट पर मेंशन रहना चाहिए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट। सैंपल मैं आपको अभी दिखाऊंगा कौन से मिनिस्टर के अंडर में है, वो वहां पे मेंशन होना चाहिए। वहां पर उस सर्टिफिकेट पर CIN नंबर वेरीफाई होना चाहिए, CIN यानी कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर, विच आपका जो रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन 100% ऑनलाइन होना चाहिए, ताकि आपका जो स्टूडेंट का यूनिक आईडी है वो आईडी डाल के ऑल इंडिया में कहीं पर भी वेरीफाई किया जाए कि आपने कहां से कोर्स लिया है, कौन सा कोर्स लिया है, आपका सर्टिफिकेट वैलिड है या नहीं। अंत में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो मतलब लाखों रुपए का सवाल है, सो दो सवाल मैं आपसे कहना चाहता हूं। सबसे पहला, आज एग्जांपल के लिए आज मैं 12 फेल हूं सपोज, सो क्या मैं एक इंस्टीट्यूट रन कर सकता हूँ, क्या मैं एक इंस्टीट्यूट चला सकता हूँ। सो आपके मन में सवाल आ रहा होगा, हाई आना, आप कंफ्यूजन में हो। सो मैं आपसे कहना चाहता हूँ बिल्कुल रन कर सकता हूँ। इंस्टीट्यूट रन करने के लिए आपको क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ओनर हो, ना ही कि आप टीचर, ठीक है। आप फैकल्टी नहीं हो, आप एक ओनर हो, आपके पास पैसा है, आप बिजनेस कर सकते हैं, आप इंस्टीट्यूट रन कर सकते हैं, देयर इज नो नीड एनी काइंड ऑफ क्वालिफिकेशन। बट आपको ये चीज एंश्योर जरूर करना है, सपोज मैं अभी ग्रेजुएशन हूँ, मैं एक इंस्टीट्यूट रन कर रहा हूँ, या फिर मैंने जो एम्प्लॉय जिसको मैंने रखे है, अपने स्टाफ को रखे है, जो फैकल्टी है जिन्होंने क्लास करवाया है बच्चे को, आपको ये चीज एंश्योर करना है। आपको जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, जो मार्कशीट प्रोवाइड किया जाएगा, उस पर एक ऑथराइजेशन सिग्नेचर होता है। जैसे कि आप जब कॉलेज से ग्रेजुएशन करते हो, आप जब 12 पास करते हो, आपको जो सर्टिफिकेट जो मार्कशीट स्कूल से प्रोवाइड किया जाता है, दो तरह का मार्कशीट सर्टिफिकेट दिया जाता है। एक तो स्कूल से आपको देगा, जिसे प्रोविजनल सर्टिफिकेट कहता है, जिस पर आपका स्कूल का हेड ऑफ टर्म जो हेडमास्टर है, जो प्रिंसिपल है, उनका साइन रहेगा। तो आप खुद सोचिए, जो प्रिंसिपल है वो कितने बड़े उनका डिग्री है, उनके पास में MA होता है, BEd होता है, PhD होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो इस महान व्यक्ति का साइन जरूर वैलिड है। दूसरा, जो सर्टिफिकेट आपका बोर्ड से आता है, जो कि चाहे सेवा बोर्ड हो चाहे CBSE बोर्ड हो, उस सर्टिफिकेट पर बोर्ड का जो चेयरमैन है उनका साइन होता है, प्रेसिडेंट का साइन होता है, और जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर है उनका साइन होता है। तो फिर 100% उन इतने बड़े बड़े लोगों लोग SES लोग है, ICS लोग है, मतलब UPSC लेवल का जो लोग है, ऑफिसर लोग है, जो अधिकारी लोग है, उनका साइन होता है। तो उनका साइन से उस सर्टिफिकेट से आपको तो 100% नौकरी मिलेगा। पर सेम चीज आपको इसी पे फॉलो करना है, यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है। जब आपको कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाए, आपको ये एंश्योर करना है उस पर जो सिग्नेचर हो, जो ऑथराइज साइन हो,
वो जो ओनर है जिसने कंप्यूटर क्लास रन कर रहा है उसका ना हो, जो टीचर आपको सिखा रहा है उसका ना हो। क्योंकि देखिए जो टीचर आपको सिखा रहा है, मैं किसी को भी नीचा दिखाने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ सच्चाई बोल रहा हूँ। वो तो खुद काल परसों हो सके कॉलेज से पास किया हो, वो तो हो सके सिंपल ग्रेजुएशन हो, बस कंप्यूटर का नॉलेज उनका अंदर में है, तो फिर उनका साइंस से आपका फ्यूचर किस तरह से ब्राइट हो सकता है? एक सर्टिफिकेट पर क्या लिखा जाता है, सर्टिफिकेट का वैल्यू क्या होता है? दिस इज हियर बाय सर्टिफाइड दैट श्री एनी हाउ कोई भी हो, सपोज श्री राजू दास, आई विश हिम सक्सेस इन लाइफ। तो फिर आप खुद सोचिए, जो खुद ही अभी तक सक्सेस नहीं है, काबिल नहीं है, उनका साइंस से आपका जिंदगी, आपका फ्यूचर कैसे काबिल होगा, कैसे सिक्योर होगा, कैसे ब्राइट होगा? सो दैट्स व्हाई आपको ये चीज बहुत एंश्योर करना है। आपको जो सर्टिफिकेट दिया जाए, सर्टिफिकेट ऑनलाइन वेरीफाई हो, उस सर्टिफिकेट पर जिस बोर्ड का नाम मेंशन हो, उस बोर्ड का प्रेसिडेंट, चेयरमैन, सेक्रेटरी, उनका साइन हो, इन सब चीजें आपको जरूर फॉलो कर लेना है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको टोटल प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया है आज का इस वीडियो बनाने का जो मैंने मकसद था, मैं किस लिए बनाया। सो फ्रेंड्स, इन सभी रिक्वायरमेंट जो कुछ मैंने अभी आपसे बताया, जो कुछ आपको जज कर लेना चाहिए, इन सभी पर आधारित एक बोर्ड है जिसका नाम है एनबीसीई, यानी एनबीसी यानी नेशनल बोर्ड ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन, जो कि रजिस्टर है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो एनबीसी एक ऐसा जेनुइन बोर्ड है, एक ऐसा जेनुइन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है। इसका जो इंस्टीट्यूट है, इसका जो ब्रांच है, देश के कोने कोने में है। अगर आप असम से बिलोंग करते हो तो फिर आप खुद जाके देख सकते हैं, रंगापारा में इसका ब्रांच है, बालीपारा में इसका ब्रांच है, तेजपुर हो, गुवाहाटी हो, जोरहाट हो, शिवसागर हो, डिब्रूगढ़ हो, कहीं पर भी आप जाके देखिए, देश के कोने कोने में इसका ब्रांच है, हर एक स्टेट में इसका ब्रांच है। सो इन सभी पर आधारित है यही एनबीसी बोर्ड, जो की है, जिसका पूरा नाम है नेशनल बोर्ड ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन, जो की एक जेनुइन बोर्ड है, जो की जिसका हर एक प्रक्रिया, हर एक प्रोसेस ऑनलाइन के जरिए होता है, और जो आपको जेनुइन सर्टिफिकेट और मार्कशीट प्रोवाइड करता है। सो इसी तरह का बहुत सारा बोर्ड है, बस इस पर मैंने छानबीन किया एनबीसी पर, इसलिए फाइनली मैंने एनबीसी पर ये वीडियो बनाया। और मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप एनबीसी पर ही जाइए, इसी तरह का बहुत सारा बोर्ड है, आप इस तरह का छानबीन अच्छे से कर लीजिए। पर अगर आप एनबीसी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके लिए सुविधा है, एनबीसी हमेशा प्रोवाइड करता है जो कि फाइनेंशियली बैकवर्ड पीपल है, जो कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, उनके लिए अच्छा अच्छा कोर्सेज प्रोवाइड करता है, फ्री कोर्सेज प्रोवाइड करता है, और बहुत ही जेन्युइन, बहुत ही चीपेस्ट रेट में, बहुत ही कम पैसे में अच्छा अच्छा कोर्स प्रोवाइड करवाता है। और इसका जो ब्रांच है देश के कोने कोने में है, चाहे वो मैंने अभी कहा है आपसे, चाहे वो रंगापारा हो, चाहे बालीपारा हो, चाहे तेजपुर हो, कहीं पर भी ये उपलब्ध है। सो आप चाहे तो अपने बच्चे के लिए, अपना खुद के लिए एनबीसी को आंख बंद करके चूज कर सकते हैं, ये बिल्कुल जेन्युइन है। सो इसका मार्कशीट सर्टिफिकेट और इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है, थोड़ा सा मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। उसी के साथ इसका रजिस्ट्रेशन लिंक, ऑनलाइन लिंक, इसी वेबसाइट का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पर मैं अभी डाल दूंगा आपके लिए। सो फ्रेंड्स, सिंपली आप देखिए इसका जो वेबसाइट है वो है nbcieskillindia.in। आप इस वेबसाइट पर जाइए, आप गूगल पर सर्च कीजिए, इसका जो इंटरफेस है इस तरह का आएगा। सो फ्रेंड्स देखिए, ये जो गवर्नमेंट है, और मैंने अभी अभी जो आपसे कहा ये गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज है, उसका प्रूफ देखिए मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो कहा था कि ये गवर्नमेंट है, ये जेनुइन है, उसका प्रूफ ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आ रहा है, इसका पॉपअप आ रहा है, इसको आप थोड़ा सा पढ़िए। इस पर लिखा हुआ है NISO 9001:2015 सर्टिफाई इंडियाज लार्जेस्ट कंप्यूटर एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए यहाँ पर मेंशन है एस्टेब्लिश अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉर्पोरेशन। और जो मैंने CIN नंबर कहा था वो यहाँ पर मेंशन है, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये रहा इसका रजिस्टर्ड नंबर। और इसका जो पोर्टल है, इसका इंटरफेस इस तरह का है। यहाँ पर देखिए आप, जैसे आप ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे, सो यहाँ पर स्टूडेंट एप्लीकेशन देख सकते हैं, स्टूडेंट वेरीफिकेशन, सर्टिफिकेट वेरीफिकेशन, स्टूडेंट एग्जामिनेशन, जॉब पोर्टल। इसके अलावा यहाँ पर आप डाउनलोड पर क्लिक करके देख सकते हैं सर्टिफिकेट, मार्कशीट, हॉल टिकट, आईडी कार्ड, ये सब कुछ आप डाउनलोड कर सकते हैं आफ्टर एडमिशन लेने के बाद। और यहाँ पर स्टडी सेंटर, जैसे आप स्टडी सेंटर पर क्लिक करेंगे, तो जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा था कि देश के कोने कोने में इसका ब्रांच है, आप कहीं पर भी इसका कोर्स ले सकते हैं। सो एग्जाम्पल के लिए अभी आप सिलेक्ट स्टेट कर लीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर आसाम ले लिया है, अभी आप यहाँ पर सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट कर लीजिए। सो एग्जाम्पल के लिए मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, सो मैंने यहाँ पर सोनितपुर ले लिया है। अभी आप देख सकते हो सोनितपुर में जितने सारे हैं इसका ब्रांचेस, वो सभी यहाँ पर आ चुका है, जैसे कि मैं अभी रंगापारा का दिखा रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, ये रहा रंगापारा। सो रंगापारा का देखिए ब्रांचेस जो है, इसका नाम है एनबीसी रंगापारा, सेंटर का जो डायरेक्टर है उसका नाम है समाप्ति मालाकर। सो फाइनली यहाँ पर आ चुका है। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको इतना सारा जीता जागता सबूत दिखा दिया है,
सबूत में पेश कर चुका हूँ। इसके अलावा आप स्क्रीन पर देखिए ये कौन है, ये खुद मैं हूँ। आप देख सकते हैं मैं अभी फिलहाल एक दफ्तर पर नौकरी कर रहा हूँ रेलवे का। और फिर दोबारा आप देखिए स्क्रीन पर ये कौन है, ये है मिस्टर ध्रुवोपाल जो कि PNRT में नौकरी कर रहे हैं। सो हम सभी लोग इसी इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हैं। सो इतने सारे जीता जगता सबूत में पेश कर चुका हूँ। सो फ्रेंड्स एक तो लाइक जरूर बनता है। सो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। ये वीडियो सभी के अवेयरनेस के लिए मैंने बनाया है। इस वीडियो को बनाने का मेरा जो मन मकसद है और मेरा जो मेहनत इस पर लगा है, मैं आप सभी से अपील करता हूँ मेरा इस मेहनत को साकार कीजिए। इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर पहली बार है तो इस चैनल को आप भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन को दबाइए, ऑल पर क्लिक कीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर आपको इसी तरह का जेन्युइन कंटेंट मिलता है और हमेशा मिलता रहेगा। सो फ्रेंड्स बहुत जल्द मिलेंगे।